आप जानते हैं इस वक्त दोस्तों वर्ल्ड कप चल रहा है और भारत का जो प्रदर्शन है वो हमें याद दिला रहा है 70 के दशक की वेस्ट इंडीज की टीम की। उसी तरह से साल 2003 से 2007 के बीच जो दमखम ऑस्ट्रेलियाई टीम का था दोस्तों, वही दमखम भारतीय क्रिकेट टीम में दिखाई दे रहा है मौजूदा वर्ल्ड कप में। मगर दो चीजें सामने उभर कर आई हैं। सबसे पहली बात, बॉलर्स की तिकड़ी मोहम्मद शमी, सिराज और जसप्रीत बुमराह, ये तीन ना होते तो पता नहीं भारत इतना शानदार प्रदर्शन कर पाता या नहीं। और मोहम्मद शमी तो वर्ल्ड कप के इतिहास में अब तक के सबसे सफल बॉलर बन रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ ही हुआ कि भारत की जीत में एक शमी भी अपना किरदार निभा रहा है और एक विराट कोहली भी अपना किरदार निभा रहा है। एक सोच हम देख रहे हैं पिछले 9 सालों से, जहां एक इंसान के धर्म के आधार पर उस पर निशाना साधा जाता है, उसकी काबिलियत को लोग सिरे से खारिज कर देते हैं, उस पर निशाना साधते हैं और इसकी ढेरों मिसालें। ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाबाजार में तेरे। मगर आज मैं मोहम्मद शमी और सिराज की बात क्यों कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि याद कीजिएगा आज से कई महीनों पहले पाकिस्तान के साथ एक मैच था। उस मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा था और संस्कारी प्रचार तंत्र के गुर्गों ने सिर्फ मोहम्मद शमी पर हमला किया था। हालांकि उस हार के लिए कई लोग जिम्मेदार थे, मगर निशाने पर सिर्फ मोहम्मद शमी थे। बात यहां नहीं रुकी, जब विराट कोहली उनके पक्ष में आए और उनके पक्ष में बयान दिया, तब हैदराबाद में बैठा एक इंजीनियर उनकी मासूम बेटी को बलात्कार की धमकी देने लगा। और मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, उस वक्त भाजपा के प्रचार तंत्र से जुड़े कई लोग कह रहे थे कि जो धमकी दे रहा है दरअसल वो पाकिस्तान में बैठा है, जबकि जो व्यक्ति पकड़ा गया था वो हैदराबाद का एक इंजीनियर था। विराट कोहली ने उस व्यक्ति को माफ कर दिया, मैं होता तो शायद माफ ना करता, मगर ये विराट कोहली की दरियादिली है। और इसी तरह से टीम इंडिया बनती है जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा भी हैं, मोहम्मद शमी और सिराज भी हैं, और ये टीम इंडिया बता रहा है अपना दमखम। यहां पर किसी के धर्म की वजह से उस पर निशाना नहीं साधा जा रहा है। कितनी खूबसूरत मिसाल इंडियन क्रिकेट टीम पेश कर रही है दोस्तों। और मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं जो अपने आप में कितनी शर्मनाक है। हाल ही में एक शानदार मैच में शानदार प्रदर्शन करने के बाद मोहम्मद शमी जमीन पर आकर झुक गए दोस्तों। ये वो तस्वीर थी और ये बताया जा रहा था कि मोहम्मद शमी शायद सजदा करने वाले थे या रुक गए, हम नहीं जानते क्योंकि मोहम्मद शमी का इसमें कोई बयान नहीं आया है। मगर मैं नहीं भूल सकता दोस्तों, पूरे ट्विटर पर दो तरफा बातें हो रही थी। एक तरफ जो जहरीले अंधभक्त हैं वो ये कहने लगे कि अरे ये क्या करने लगा, क्या ये क्रिकेट के मैदान में सजदा कर रहा है, नमाज अदा कर रहा है, इस तरह की बातें होने लग गई। और दूसरी तरफ एक वो लोग भी थे जो ये कह रहे थे कि मोहम्मद शमी जो हैं वो डर गए और अपने धर्म का अनुसरण भी नहीं कर सके। सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमें क्रिकेट को क्रिकेट तक ही सीमित रखना चाहिए, उससे धर्म नहीं जोड़ना चाहिए। मगर आज ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, मैं आज ये बात आप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज मोहम्मद शमी हमारे लिए हीरो है। वो व्यक्ति जो कई पर्सनल संकटों से गुजर कर आया है, कई विवादों में घिरा रहा, डिप्रेशन का शिकार रहा, वो व्यक्ति आज शानदार प्रदर्शन कर रहा है। मगर अब से कुछ महीनों पहले महज उसके धर्म की वजह से उस पर निशाना साधा जा रहा था। और जब विराट कोहली उसके पक्ष में आया तो विराट कोहली पर भी निशाना साधा गया। हमारी टीम इंडिया दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है, जहां अलग अलग धर्म के लोग एक मंच पर होते हैं और जब खेलते हैं तो एज अ टीम इंडिया खेलते हैं। ये जो टीम इंडिया है ना, हम सबको एक खूबसूरत मिसाल दे रही है। मैं नहीं जानता हूं दोस्तों सेमीफाइनल में क्या होगा, फाइनल में क्या होगा, मगर इस टीम को देखकर मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि इस टीम को नजर ना लगे दोस्तों। इतनी खूबसूरत टीम है, इतना बेहतरीन खेल रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से खेलते रहे और
भारतीय टीम के इतिहास की सबसे मजबूत टीम बनकर दिखाए, वर्ल्ड कप जीत कर आए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं। इस कार्यक्रम करने का मकसद सिर्फ यह नहीं है दोस्तों, आपको बतलाने के लिए कि जिस मोहम्मद शमी को आज हम हीरो बतला रहे हैं, उसके धर्म की वजह से अब से कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीनों पहले कई गुंडे उन पर हमला बोल रहे थे। और बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों, पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी बोस, कहने को एक संवैधानिक पद, कहने को एक ऐसा पद जिसमें राजनीति नहीं होती, मगर जब कोलकाता में भारत को शानदार जीत मिली थी तो ये क्या कह रहे हैं, पढ़ के सुना रहा हूं। इंडिया हैज वंस अगेन प्रूव्ड दैट वी आर सेकेंड टू नन। भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हम किसी से कम नहीं। आगे, प्राइम मिनिस्टर मोदीज कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया इज स्प्रेडिंग अक्रॉस ऑल फील्ड्स इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स। इट इज अ विक्ट्री फॉर ऑल पीपल ऑफ इंडिया, सेज वेस्ट बंगाल गवर्नर सीवी बोस ऑन इंडियाज विक्ट्री ओवर साउथ अफ्रीका इन अ वर्ल्ड कप मैच। सीवी बोस कह रहे हैं कि साहब ये जो जीत मिल रही है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आत्मनिर्भर भारत की सोच है उसी का परिणाम है। यानी कि क्रिकेट में भी प्रधानमंत्री का नाम शुमार कर लिया। कहने को राज्यपाल हैं, पक्षपात से ऊपर होना चाहिए, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रवक्ता बनकर रह गए, ये कहा जाए भाजपा के प्रवक्ता बन के रह गए। मैं जानता हूं कि राज्यपाल एक राज्य के अंदर केंद्र का नुमाइंदा होता है, मगर जब आप उस राज्य में होते हैं तो आपको पक्षपात से ऊपर उठना पड़ता है। यहां पर भाजपा के प्रवक्ता की तरह माननीय राज्यपाल सीवी बोस बात कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि भाई भारत जीत रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। कमाल है दोस्तों, क्या राज्यपाल और क्या मीडिया, याद कीजिए, इससे पहले ओलंपिक गेम्स में मेडल लाना हो या क्रिकेट में जीत की बात हो, इसका पूरा श्रेय चाटुकार गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को देती थी। मानो हमारे खिलाड़ी जो है वहां घास छील रहे हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री का प्रतापी आशीर्वाद मिल रहा है, बाकी तो कोई कुछ खेल ही नहीं रहा है। याद है कि आप भूल गए? चलिए एक एक करके स्क्रीन पर वो महान मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं जो आपके स्क्रीन पर आने वाली है। ये देखिए, सबसे पहले इंडिया के पापा। भैया जब खुद ही कह रही है इंडिया के पापा, मेरे तो पापा नहीं है मोदी जी। आगे देखिए साहब, मोदी विश्व गुरु, सियासत शुरू, आ गई बिना दर्द बिना सुई वाली वैक्सीन, प्रधानमंत्री का चेहरा। मैं अभी आपको खेल वाली बातें भी बताऊंगा, अभी बता रहा हूं कि इंडिया के पापा किस तरह से हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को बनाया जाता है। आगे देखिए, चांद पर होगा मोदी मोदी, यानी कि भारतीय वैज्ञानिक जो हैं, अगर वो अपनी कोशिशों से अगर भारत की मौजूदगी चांद में दर्ज करते हैं या किसी ग्रह में दर्ज करते हैं तो उसका श्रेय पूरी तरह से मोदी जी को जाता है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, अभी चंद्रयान 2 जिसमें हमें असफलता का सामना करना पड़ा था, तो एक वैज्ञानिक ने अपनी किताब में लिखा था कि वो जो अभियान असफल हो गया था वो इसलिए असफल हो गया था क्योंकि उसमें जबरदस्ती की गई थी, जल्दबाजी की गई थी। क्या मीडिया ने कभी यह सवाल उठाया है कि चंद्रयान 2 जिसमें जल्दबाजी की गई थी वो किसकी राजनीतिक जल्दबाजी के चलते हुआ था? कौन अपना नाम चमकाने के लिए उसमें जल्दबाजी कर रहा था? यह सवाल होना चाहिए। और हाल में जो चंद्रयान में हमें जीत मिली थी, आपको याद है वो लम्हा जब हमारा जो लैंडर है जो चंद्रमा पर उतरा था, उस वक्त याद है आपको किसका चेहरा स्क्रीन पर आया था? प्रधानमंत्री का चेहरा सामने आया था। वैज्ञानिक तो न जाने पीछे कहां चले गए थे। ये सवालात हैं जो उठाने चाहिए, मगर जब मीडिया ही प्रधानमंत्री को इंडिया के पापा कहेगा तो क्या उम्मीद की जा सकती है? ये देखिए, क्या पीएम मोदी जिताएंगे वर्ल्ड कप, ये पुराना कार्यक्रम, उसके बाद भारत फाइनल में हार गया था। वैक्सीन गुरु, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, दबने की जरूरत नहीं है, नीरज को प्रधानमंत्री ने दिया जीत का मंत्र, यानी कि नीरज जो अब तक गोल्ड मेडल जीतकर आते रहे वो सिर्फ प्रधानमंत्री के मंत्र की वजह से। आगे देखिए, मोदी मंत्र से मिटेगा कोरोना, जब पीएम मोदी ने दिया विराट को गुरु ज्ञान, पीएम मोदी का बाहुबली अवतार, रूस को डूबने से बचाएंगे मोदी, यूरोप में मोदी थम जाएगा युद्ध, कॉमनवेल्थ गेम्स, प्रधानमंत्री मोदी ने दिया जीत का मंत्र, अब बरसेगा सोना ही सोना।
जब हम इस तरह के कार्यक्रम चलाते हैं ना, तो पहली बात हम अपने वैज्ञानिकों का अपमान करते हैं, अपने खिलाड़ियों का अपमान करते हैं और हमारे जो अचीवर्स हैं उनकी उपलब्धियों का अपमान करते हैं। सबसे बड़ी बात, जब हमारी महिला पहलवान जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रही थी तो प्रधानमंत्री ने उनसे कितनी बार बात की, मैं नहीं भूला हूं। जब यही महिला खिलाड़ी मेडल जीत कर आई थी तब प्रधानमंत्री ने अपने घर बुलाकर इनका सम्मान किया था, मगर जब ये सड़क पर बैठी हुई थी, जब दिल्ली पुलिस उन्हें घसीट रही थी बिल्कुल इसी तरह से, तब प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर कल को इंडियन क्रिकेट टीम किसी मुश्किल में फंसती है तब भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहेंगे। हां, आजकल यह हो रहा है कि भारत जब भी जीत रहा है तो प्रधानमंत्री तुरंत ट्वीट कर देते हैं उन्हें बधाई देने के लिए, हालांकि बाकी ज्वलंत मुद्दों पर वो कुछ नहीं कहते हैं, मगर वर्ल्ड कप में जो भारत जीत रहा है उस पर वो लगातार कह रहे हैं। यह अपने आप में अच्छी बात है, हौसला अफजाई होनी चाहिए, मगर जो ज्वलंत मुद्दे हैं मसलन मणिपुर, उस पर भी बात कहिए। कश्मीर में जब हमारे 3 वीर शहीद हो जाते हैं उस पर भी कुछ कहिए। उल्टा, मैं नहीं भूला हूं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जश्न हुआ था उसी दिन, उस जश्न को भी नहीं रोका गया था। ये तमाम सवालात हैं। और एक बार फिर इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने जिस मुद्दे का जिक्र किया था, जब भी आप खिलाड़ी को उसके धर्म के आधार पर निशाना साधें तो याद कीजिएगा, यही खिलाड़ी भारत का हीरो भी है, यही खिलाड़ी हमको जीत भी दिलवाता है। सिर्फ इसलिए कि वो किसी खास धर्म का अनुयायी है हम उस पर हमला नहीं बोल सकते। शामी और सिराज ने इसे प्रमाणित किया है। एक बार फिर उस उम्मीद के साथ कि भारत की रफ्तार जारी रहे, भारत जीते, हम सब यही उम्मीद कर सकते हैं। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।